दुनिया के कई देशों में कोविड-19 संक्रमण फिर से फैलने लगा है। समय के साथ इस वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और म्यूटेशन के कारण ये वायरस अपने लक्षण भी बदल रहा है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। भारत में इस वेरिएंट के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के क्या है लक्षण। BF.7 मुख्य रूप से ऊपरी श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। इससे संक्रमित होने से सीने के ऊपरी हिस्सों और गले के पास दर्द होता है। इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज को गले में खराश, छींक, बहती नाक, बंद नाक की शिकायत हो सकती है। ऐसे मरीज को बिना कफ वाली खांसी, कफ के साथ खांसी, सिर दर्द के लक्षण दिखते हैं। इसके साथ ही मरीज को बोलने में परेशानी होती है और मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 से संक्रमित होने पर कुछ मरीजों को उल्टी और दस्त हो सकते हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत कोविड टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि सेल्फ आइसोलेशन और रिकवरी दवाओं के जरिए मरीज को संक्रमण से जल्द ठीक किया जा सकता है। लगातार खांसी के साथ संक्रमित शख्स को कपकपी के साथ बुखार आ सकता है। उसको गंध न आने की शिकायत भी हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत और थकान का अनुभव होता है। बता दें कि देश में पिछले कई दिनों से एक दिन में 200 से कम मामले सामने आ रहे हैं। जहां तक BF.7 की बात है तो अब तक पुष्टि किए गए सभी 4 मामले जुलाई और अक्टूबर के बीच सामने आए। इनमें से 3 गुजरात में, 1 उड़ीसा में मिला। मरीजों को आइसोलेट किया गया, उनका इलाज किया गया और वो ठीक हो गए। BF.7 के मामले में बीमारी की गंभीरता अधिक नहीं है। वास्तविक चिंता ये है कि उन लोगों की संख्या को संक्रमित कर सकता है, क्योंकि इसका म्यूटेशन बहुत तेजी से हो रहा है। देश में अभी रिकवरी रेट अधिक है, लेकिन अगर कोरोना के प्रसार पहले के प्रकारों की तुलना में अधिक है तो मौतें अधिक हो सकती हैं। BF.7 वेरिएंट का पहला केस चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला। अब तक यह वायरस भारत, अमेरिका, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों में फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।